हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। देखिए, हमने एमपीपीएससी 2018 के लिए करेंट अफेयर्स सीरीज जो स्टार्ट की है उसके मैं अभी तक 6 पार्ट डाल चुका हूँ। तो आपने यदि वो पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने उसमें पहले पार्ट में मैंने आपको रियो ओलंपिक, रियो पैरा ओलंपिक, इसके बाद अंडर फीफा 17 वर्ल्ड कप, नोबल प्राइज, और इसके बाद मैंने डाला था ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो मैं इतने पार्ट डाल चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है करेंट अफेयर्स के। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने इनमें बहुत इंपोर्टेंट जानकारी दी है, साथ में मैंने इनकी हिस्ट्री भी बताई है। इसके अलावा इस साल के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एमपीपीएससी 2018 के स्पेशल मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि आज हम पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज है बिटवीन कंट्रीज, आज हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और हम इनको ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे कि आपको एक ही बार देखने पर याद हो जाए। तो हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। देखिए, पहली ये देखिए, रेड क्लिफ लाइन तो आपको पता है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में। और जो मैकमोहन लाइन है वो आपकी इंडिया एंड चाइना के बीच में है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में है, टू विच चाइना डज नॉट अप्रूव, जिसको कि चाइना ने अप्रूव नहीं किया। इट वॉज डिमार्केटेड बाय सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको ड्रॉ किया गया था, लेकिन चाइना ने इसको अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है जो रेड क्लिफ लाइन है, डूरंट लाइन इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद हम देख लेते हैं 24th पैरेलल लाइन। 24th जो पैरेलल लाइन है वो भी आपकी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि पाकिस्तान डिमार्केशन लाइन मानता है लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो 24th जो पैरेलल लाइन है वो भी आपकी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, जो कि पाकिस्तान मानता है लेकिन इंडिया ने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम चलते देखिए, यहाँ पे ये दो जो है, ये आपकी हिंडनवर्क लाइन और ऑर्डरनेसी लाइन, ये दोनों आपको कंबाइन याद रखना है। देखिए, हिंडनवर्क लाइन को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हिंडनवर्क, ठीक है ना, वर्ग लाइन, ठीक है ना। तो हिंडनवर्क के जो लास्ट कैप लेटर है जी, इसको आप पकड़िए, ठीक है ना। G4 आपका जर्मनी हो जाएगा, और जर्मनी के साथ जो रिलेट होगा वो आपका पोलैंड, एक और कंट्री जो आएगी वो जर्मनी प्लस पोलैंड, ठीक है ना। तो इस तरह आप हिंडनवर्क को याद रख सकते हैं। हिंडनवर्क में आप लास्ट लास्ट लेटर आपको पकड़ना है जो कि जी हैगा, G4 जर्मनी। तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनवर्क लाइन एंड ऑर्डरनेसी लाइन, ये दोनों आपकी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, बिटवीन पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी। जो ऑर्डरनेसी लाइन है वो ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंबाइनिंग याद रखना कि हिंडनबर्ग लाइन एंड ऑर्डरनेसी लाइन जो है वो आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, और 24th पैरेलल लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि पाकिस्तान मानता है डिमार्केशन लाइन लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे, जो कि है मैन मैन रहीम लाइन, ठीक है ना, मैन रहीम लाइन, ठीक है, मैन रहीम लाइन। तो इसको कैसे याद रखना, देखिए आपको पता है रहीम, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, राम रहीम, ठीक है ना, इसको हम ऐसे याद रखें, राम रहीम। तो राम रहीम के सभी लोग क्या होते हैं, फैन होते हैं, फैन। तो देखिए, राम से हम राम का पहला वर्ड ले लेंगे रसिया, ठीक है ना, रसिया प्लस फिनलैंड, फैन होते राम रहीम के, क्या होते हैं, सभी फैन होते हैं। तो यहां से रसिया प्लस फिनलैंड, तो जो मेन रहीम लाइन है वो आपकी रसिया एंड फिनलैंड के बीच में है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं मेन रहीम लाइन। इसके बाद मैगिनोट लाइन जो है, मैगिनोट को आप रखना है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए मैगिनोट, देखिए अब इन दोनों को हम साथ में याद रखेंगे, मैगिनोट एंड सिख फ्राइड लाइन, ठीक है ना, सिख फ्राइड लाइन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिख फ्राइड लाइन, सिख SI। अब ये मैं आपको यहाँ पे जी और एफ को मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है ना, सिख फ्राइड लाइन, सिख
ये रखिए सिगफ्राइड लाइन, ठीक है ना, सिगफ्राइड लाइन। तो देखिए सिगफ्राइड लाइन, तो जी और एफ से आप क्या करेंगे, यहां से आप रखेंगे जर्मनी प्लस फ्रांस, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी ये। तो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में सिगफ्राइड लाइन, और सिगफ्राइड लाइन के साथ कॉम्बिनेशन आप किसका रखेंगे, मैगिनॉट लाइन का, मैगिनॉट। तो सिगफ्राइड प्लस मैगिनॉट, ये दोनों आपकी किस किस के बीच में है, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये दोनों आप कंबाइन याद रखना। अब हम चलते हैं 17th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन और 49th पैरेलल लाइन। देखिए 38 को तो 38 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्थ कोरिया, जो कि बहुत बिग इशू है इस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है 38th लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और 17th लाइन जो है वो आपकी वियतनाम के बीच में है, जो वियतनाम पहले नॉर्थ वियतनाम था और साउथ वियतनाम जो थे, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम जो कि अब एक हो गए हैं बिफोर द टू वर यूनाइटेड, ठीक है ना, वियतनाम। तो ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है, इस तरह याद रखना आप। तो 17th वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, 38 जो है वो कहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और 49 को आपको याद रखना है। 49 को आपको कैसे याद रखना है, यूएसए प्लस कनाडा, इन दोनों के बीच में। तो एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहली लाइन हमने देखी थी रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन किस किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डूरंट लाइन किस किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन किस किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको चाइना ने ड्रॉ किया है, वह आपकी डिमार्केट की गई है, डिमार्केशन लाइन मानता है, लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इट वॉज डिमार्केट बाय एंड इट वॉज डिमार्केट बाय सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको डिमार्क किया गया था। इसके बाद देखिए 24th पैरेलल लाइन मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि पाकिस्तान मानता है लेकिन इंडिया ने इसको अप्रूव नहीं किया है। इसके बाद दो लाइनें आपको बताई थी हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग को आपको कैसे याद रखना है, हिंडनबर्ग में लास्ट का जो लेटर है जी याद रखना आपको, जर्मनी, और जर्मनी के साथ आपको जीपी याद रखना है, जर्मनी और पी, ठीक है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, जी और पी, आपको हिंडनबर्ग लास्ट लेटर जी उठाना है और जी के साथ आपको पी जोड़ देना है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग प्लस ऑर्डर नेसी लाइन है जो कि ईस्ट जर्मनी के बीच में है, ठीक है ना, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में। तो हिंडनबर्ग, ऑर्डर नेसी, इन दोनों को आप कंबाइनिंगली याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मेन ड्रम, मैन रहीम लाइन, मैन रहीम लाइन को आपको क्या याद रखना, मैन रहीम में रहीम बट ले लेना है, राम रहीम, राम रहीम के सभी लोग क्या होते हैं, फैन होते हैं, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा रसिया एंड फिनलैंड के बीच में, ठीक है। इसके बाद मैगिनॉट और सिगफ्राइड लाइन, सिगफ्राइड लाइन को आपको कैसे याद रखना, देखिए सिगफ्राइड में जो बीच के वर्ड हैं जी और एफ, इन दोनों को आपको उठाना है, सिगफ्राइड में जी एंड एफ, जी एंड एफ को उठाना है, जर्मनी एंड फ्रांस, और सिगफ्राइड के साथ आपको किसको याद रखना है, मैगिनॉट लाइन को। तो सिगफ्राइड सिगफ्राइड प्लस मैगिनॉट लाइन आपकी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, और 17th 38 एंड 49 को आपको अलग से याद रखना है। 17 किस किस के बीच में है, वियतनाम, वियतनाम में आपका नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, 38 जो है वो जो कि पहले था, अब तो वियतनाम एक हो गए ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को मिलाकर, और 38 तो आपको याद रखना ही है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, और 49 यूएसए एंड कैनेडा के बीच में। तो ये ऑल अबाउट था इस इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया टॉपिक्स मिसलेनियस देखेंगे। तो प्लीज यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।